भगवान अंतर मन से देखते ना और वीडियो में देखते भगवान आज चुनाव के गाड़ी हमारे गाँव तक पहुँच जाते लेकिन एम्बुलेंस बिजली के गाड़ी हमारे जंगल नहीं पहुँची हमारे गाँव ये हमारे ये मांग है जो इसी मांग में हम यहाँ धरना प्रदर्शन किए हैं। आज जो भी मांगते हैं कई बार हमने एप्लीकेशन आज सब जगह देते हैं, पंचायत में दिए, ग्राम स्वराज में दिया, आज हमने डिप्टी के SDM के पास दिया और हमने कलेक्टर ऑफिस जाकर दिया। हमारे मांग आज तक पूरी नहीं हुआ, फिर नेता विधायक को सभी जाने को दिया, फिर हमारे मांग आज से नहीं पूरी हुआ। तो हम त्रिखुटी और पंचायत बिंझरा हम ये समस्या कब से बने हुए हैं? ये समस्या हमारे बहुत दिन से, आज ये यहाँ हमारे ऊपर में 3-4 पीढ़ी गुजरा है। 1920 के बसिंदा है त्रिखुटी गांव, हमारे जो पिताजी और हमारे नाना जी वहाँ जा कब्र से हैं। पहले हमारे ग्राम ये स्थल हमारे ये दलदली पारा है पूर्वज के, यहाँ ये बिंझरा गांव 2-4 घर के पहली था, उसी समय के हमारे यहाँ आजा दादा ने यहाँ बसा हुआ है। आज तक हमारे जो मांग रहे हैं, आज रोड के मांग हमने देखते हैं कि टीवी में, आज मोबाइल में देखते हैं, तो मांग को हम सरकार सुविधा दे रहा है। आज देखो आज हमने एम्बुलेंस को आज मांग करते हैं, कोई डिलीवरी पर कोई बीमार होते हैं तो हमारे पहाड़ को देख करके उनने जाने के लिए, आज हम इधर पाली साइड हैं, हमें जड़गा प्रशांत तरफ साइड में हैं, तुम किस व्यवस्था बना करके नीचे ले आओ, तो कई हैं तो आए हमारे जेकर पास साधन है तो वो जा करके ये खटिया वगैरह से बोह के ले आते हैं, तो 2-3 जन के आधा घाट में वहीं प्राण मुक्त होगा। तो कितनी जनसंख्या आपके गांव? तो हमारे त्रिखुटी ग्राम हमारे 260 की जनसंख्या है और ये हमारे 3 पंचायती पहाड़ी क्षेत्र में जुटा है, बखई, नानकौहा, बलबहरी, भद्रापारा, इसी में सबका 800-900
जनसंख्या का आवागमन इसी रोड में हो रहा है। सड़क पानी कुछ नहीं मिल रहा। तो अब जो सिल तक्षक तो लगा दिए हैं उसको आज फट गया है। उसको चुनाव के बाद में हमने पहले वहां गया था, उसके बारे हम कहा कि देखो पहली रोड उसके बाद वोट, नहीं है रोड तो नहीं है वोट करके हम यहाँ एस डी एम के पास जाके हम विज्ञापन सौंपा। कौन कौन गांव के तुम? हम त्रिखुटी गांव के हैं। अच्छा, कब से परेशानी बने हुए? परेशानी तो बहुत साल से हो चुका थी। अभी कैसे करता है आवागमन? आवागमन बार भैया इसने मुसीबत में अपने खटिया कुची में पैदल यात्रा में करते हैं हमारे। अभी मांग पर जो खड़े है, यदि मांग पूरा नहीं हुई तो क्या करिए आगे? आगे हम वही मांग कर वो भाई जहाँ जहाँ भाई बैठ के हमने मांग मांगो कि हमारे इतना कन पूरा करे तब तो हमन एक बात ला मन करते रहो। कौन गांव के मन शामिल हुए हैं? यहाँ पूरा त्रिखुटी है, भद्रापाड़ा है, मैंने पहाड़ ऊपर का बहुत जितना कन गांव बसे हैं इतना सब आके यहाँ बैठे हैं। है ठीक चाँद बिंजरा त्रिखुटी में रहने वाला हूँ, पंडो आदिवासी जनजाति हो, मोर क्षेत्र में पंडो आदिवासी क्षेत्र बहुत जन हमें ओवे से लेकर के हमने परेशान हन रोड में आवर कावर बैठे हैं। एक लिए सबूत बताबो, आज एक लिए बैठे हैं हमला, ना रोड नहीं है, ना बिजली, ना पानी, ना कोई भी, ना स्कूल नहीं है शिक्षा मन बार। और आज हमार लड़का मला बिंजरा आश्रम में बहुत जंगल में गुजर के 10 किलोमीटर गुजरते हुए हमारे लड़का मन आके बिंजरा में रहते और रह के बाद मतलब कोई कोई लजर दुख बीमार पड़ जाते थे तो चल देते घरे वापस हो जाते कि नहीं जान पढ़ेला, वो भी है समस्या। और की और आज हमन मतलब कि कोई एम्बुलेंस मांगा था मरीज बुखार जर बुखार बीमार पड़ जाते गर्भवती माता कोई डिलीवरी में ले जाना रहते तो कहते कि एम्बुलेंस वाला मन की तय बिंजरा लेके आ 10 किलोमीटर खाट में डो के लेकर के आथन, एकर बाद में एम्बुलेंस आते बिंजरा में बिंजरा बस स्टेशन में लेकर के आथन, एकर बाद में लेकर जाते कटघोरा। सड़क कितना दूर तक खराब? सड़क यहाँ से बिंजरा मतलब चौकी से लेकर के वहाँ 10 किलोमीटर हमार 3 पंचायत के पड़ते, पटपरा पंचायत है, बिंजरा पंचायत और हमारे जो गांव है त्रिखुटी में आवागमन त्रिखुटी वही रोड है, मेन रोड है समझा, लेकिन उधर कच्ची है अभी चिखला कांदो हो के है, ऊपर भी अभी बहुत नुकसान है साहब अभी हमला। तो अभी मांग लेकर कितना जाम रखिया की काम मांग? हमन मांग ऐसा है कि जब तक हमारे रोड में नहीं बना ही तब तक हमला धरना प्रदर्शन करबो। आज बिंजरा चौक में आज हमन धरना चक्का जाम करे हन, कल और कटघोरा चक्का जाम करबो और नहीं सुनही हमारा सरकार है तब बोले फिर वो जाके कोरबा कलेक्टर लग घेरबो। हमारे इतना तक हमारा अभी है